हेलो गाइस, मैं आपका कास्टर ब्लास्टर एजे बॉस यहाँ पर आ चुका हूँ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है भाई। तो मैं जल्दी शुरू कर देता हूँ वीडियो को बिना किसी बकलोली के, जल्दी शुरू करेंगे गाइस क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, जल्दी बाद में वीडियो बनानी पड़ रही है, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो गाइस, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि हम लोग करने वाले हैं एक टूर्नामेंट जिसका नाम है गाइस नाइट ऑफ स्टार्स, TCE स्पोर्ट्स प्रेजेंस नाइट ऑफ स्टार्स, पावर्ड बाय A3 गेमिंग एंड स्पॉन्सर्ड बाय मीटर जीरो। तो गाइज, यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है टूर्नामेंट। तो बता देता हूँ जल्दी से टूर्नामेंट के बारे में क्या क्या सीन है, जल्दी सुन लो गाइज फटाफट, छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लेंदी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर होने वाला सबसे पहले देख लो आप नाइट ऑफ द स्टार्स टूर्नामेंट का नाम, जिसका प्राइस पूल होने वाला है गाइज 1000 रुपीज़। और उसके बाद बहुत ही बड़ी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, जो है फ्री एंट्री गाइज। तो गाइस, आपने सही सुना, कोई भी एंट्री फी नहीं है, बिल्कुल फ्री होने वाला गाइस आपके लिए, मिलने वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप जीत सकते हो 1000 रुपीज़ का प्राइस पूल। तो गाइस देख लेते हैं एक बार टीम्स को, टीम्स हमारी जो हमारी #1 आएगी उसको मिलने वाले 400 रुपीज़, #2 आएगी उसको मिलेंगे 200 रुपीज़, और #3 टीम को मिलेंगे 800 रुपीज़, और वो हमारा होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स टेबल। तो गाइस, पॉइंट्स टेबल के बेस पर ये होने वाला है, और ये होने वाला है गाइस एवरी संडे। तो हर संडे आप यहाँ पर आपको 3 मैच देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपका पहला ही रैंगल, दूसरा मीरा मार, और थर्ड होने वाला है हमारा वीकेंड या फिर सेन ऑफ, जो भी हम रखना चाहेंगे उसके बेस पे रख लेंगे। तो गाइस, दिन में होंगे 3 मैच जिसके अंदर जो top 3 टीम्स होंगी उनको मिलने वाला है प्राइस पूल। तो आपको मैं बता दूँ, कास्टर में आपका कास्टर ब्लास्टर एजे बॉस रहने वाला हो कास्टर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, from 2 PM, और हमारे साथ जुड़ेगी हमारी पूरी टीम AS3 गेमिंग की, और 2 बजे से मैच स्टार्ट होंगे गाइस, 2 से 3 पहला, 3 से 4 दूसरा, 4 से 5 तीसरा, तो ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आपको मैं और बता दूँ और क्या, हाँ फ्री एंट्री बता दी मैंने, ठीक है, और प्राइस पूल भी हो गया। और गाइस, मैं आपको और क्या बताऊँ, और कोई गाइस क्वेरीज होंगी आपको वो आप हमसे सॉल्व कर लेना। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो टीम्स हैं, टीम सिलेक्शन, आप सोच रहे होंगे टीम सिलेक्शन कैसे होने वाला है, टीम सिलेक्शन कुछ इस बेसिस पे कि जो हमारे मंडे टू फ्राइडे जो भी टीम परफॉर्म करेगी, जो भी टीम रेगुलर रहेगी, जो भी टीम हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें दिख रहा है कि उसका बिहेवियर अच्छा है, वो टाइम से आते हैं, और पर्सनली जो हम देखेंगे, हम वो पूरे हफ्ते नोटिस करेंगे, उसके बाद टीम का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो गाइस, तो आपका रजिस्ट्रेशन, भले आप कितनी भी अच्छी टीम हो, सॉरी हम आपको स्लॉट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गाइस हमारे जो A3 गेमिंग है वो देने वाला है 10 स्लॉट्स, इसमें मिलने वाले आपको 10 स्लॉट्स हमारी A3 गेमिंग की तरफ से, बाकी स्लॉट्स जो है हम बाहर से लाने वाले हैं टीम्स को। तो गाइस 10 स्लॉट हैं, तो आपको फुल मेहनत करने, बुम्बा मचाना है भाई, देखो जो बंदा मंडे टू फ्राइडे बुम्बा मचाएगी जो टीम, उसको मिलेगा हमारी तरफ से मौका, ठीक है, वो टीम कोई भी हो सकती है, हम बता देंगे आपसे। और बता दो एक बात, जो हमारा टॉप फ्रैगर होगा हमारे उन सभी मैचेस में, जो हमारा टॉप फ्रैगर होगा जिसके हाईएस्ट किल होंगे तीनों मैचेस को मिला के, उसको मिलने वाले गाइस 200 रुपीज़। तो भाई देख लो, फुल बुम्बा मचाना है भाई। और बाकी बात कर लेते, तो हमारे बता दिया मैंने, स्पॉन्सर हमारे मीटर जीरो, और मीडिया पार्टनर हमें A3 गेमिंग, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है TCE स्पोर्ट्स गाइस। और चलते कुछ बात करते हैं हम बेसिक रूल्स के ऊपर। तो गाइस, रूल्स ऐसे हैं कि देखो गाइस, पहली चीज़, 5 प्लेयर्स नेम हमें क्लियर चाहिए। हमारे साथ ये स्कैम कोई नहीं करेगा कि गाइस बंदे बताते हैं भाई ये टीम आई, ये बंदे आएंगे, अगले दिन बंदे चेंज हो जाते हैं, भाई हर मैच में बंदे वही होने चाहिए, कोई स्कैम नहीं करेगा ये वाला, जो बंदे के नाम आप हमें दोगे वही नाम होने चाहिए, वरना हम सीधा भाई स्लॉट कैंसिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लो यार। नो एमुलेटर प्लेयर्स आर अलाउड इन द मैच, कहीं ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसका मतलब कोई भी एमुलेटर प्लेयर जो होगा वो अलाउड नहीं होगा मैच में आना, आप सभी को मोबाइल प्लेयर या आईपैड प्लेयर जो भी हो वैसे खेल सकते हो, एमुलेटर प्लेयर अलाउड नहीं है। हैकर्स एंड टीम अप आर बैन इन द टूर्नामेंट ओनली, ओके गाइस, हैकर्स सही सी बात है, कोई हैक करेगा तो उसकी टीम को तो हम सीधा परमानेंट बैन देंगे भाई, आप सिर्फ टूर्नामेंट के, हम आपको फ्री के कस्टम भी नहीं खिलाएंगे भाई हमारे, ये देखो यार, क्योंकि हैकर से भाई सख्त नफरत है भाई, देखो मैं आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यार ये करोगे ना तो भाई सपोर्ट नहीं मिलेगा यार, देख लो। और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेम ग्लिचेस, हाँ भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है गेम ग्लिचेस, भाई कई बार होता है कि आप रूम ज्वाइन करते हो लेकिन रूम ज्वाइन करके कुछ ग्लिच हो जाता है आपके साथ, आप एंटर नहीं हो पाते, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है गाइस, ये पहले बता देता हूँ। इट इज़ कंपलसरी टू सिट इन द स्लॉट बिफोर 5 मिनट्स ऑफ द मैच, ठीक है, अगर मान लो 2 बजे का मैच है ना, 1:55 से पहले पहले जो टीम नहीं आएगी भाई स्लॉट कैंसिल, देखो 1:55 से पहले पहले गाइस अगर आप आ जाते हो ना, 5 मिनट हमें मिलेंगे कि हम रीचेक कर सकें कि हर स्लॉट में सही बंदा बैठा है, हर स्लॉट किसी, कोई बंदा एमुलेटर वाला तो नहीं आया, कोई बंदा हैकर तो नहीं आया, तो उसके लिए हम रख रहे हैं हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1:55 के से पहले पहले हमें सारे बंदे जितने भी खेल रहे हैं सब हमें स्लॉट के अंदर चाहिए। इट्स फॉरबिडन टू चेंज द प्लेयर एट द लास्ट मोमेंट,
ओनली दो प्लेयर विल प्ले हु विल रजिस्टर इन द मैच, समझे गाइस। तो जो आप टीम के, हम देखो हम आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि आप छह बंदों के नाम रजिस्टर करा दो, छह बंदों के नाम रजिस्टर करा दो, एक बंदा अगर इधर उधर है, कुछ काम पड़ गया, कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो आप दूसरे को खिला दो, लेकिन उन छह के अलावा किसी को दूसरे का नाम दिखेगा ना तो भाई हम सीधा भाई किकआउट कर देंगे, देख लो बंदे को। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, फिर कोई नहीं बोलेगा मेरे से ये बात, और मेरे को प्लीज़ भाई कोई पर्सनली मैसेज नहीं करेगा इससे रिलेटेड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, ये बता रहा हूँ भाई, देखो कोई मेरे को मैसेज नहीं करेगा उससे रिलेटेड, ठीक है गाइस। वी विल सिलेक्ट 10 टीम अमंग अस एंड डेट विल बी डिसाइड ऑन योर बिहेवियर रेगुलेटरी परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो 10 टीम होंगी वो इसी बेस पे सिलेक्ट होंगी। देखो कम से कम 10 हम देखो, क्योंकि जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो हमारे टी सी स्पोर्ट्स है जो ऑर्गेनाइज करा रहा है कस्टम को, तो गाइस उसने हमें बोला भाई 10 टीम तुम अपनी तरफ से लेके आओ मिनिमम। देखो हमने आपके लिए 10 स्लॉट लिए हैं अपने लिए, तो हम क्योंकि चाहते हैं भाई हमारे कस्टम की कम से कम 10 टीमों का नाम ना थोड़े ऊपर लेवल पर जाए भाई, कम से कम 10 का तो जाए ना ऊपर, आपको मौका मिलना चाहिए जीतने का पैसे, तो भाई इसलिए 10 तो हम कम से कम लेंगे। बाकी अगर बचते हैं स्लॉट तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारी कौन सी टीम है जो भाई आती है, अच्छा खेलती है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो भाई रेगुलरिटी है, जिसकी बिहेवियर अच्छा है, जो लोग कभी भाई गाली है मतलब ऑल वॉल पे सीन नहीं करते कुछ भी, जिनका कोई स्कैम नहीं होता, उनको हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिट इन योर अलॉटेड स्लॉट्स, द टॉप टीम्स गेट फ्री इन्वाइट इन PMPS सीजन 2, ठीक है। और ये है बहुत ही बड़ी न्यूज़ गाइस, फुल अभी जल्दी से वीडियो को थोड़ा सा मतलब लाइक कर दो यार, देखो जो भी है लाइक कर दो, फिर मैं ये वाली न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ, डेली जो संडे को कस्टम्स होंगे ना गाइस, अभी देखो मतलब पहला कस्टम होने वाला 29 नवंबर, जो भी है हमारा संडे पड़ रहा है जिस दिन भी, उस दिन होने वाला है आपका पहला रूम, ठीक है। जो भी जीतेगा उसको हम पैसे दे देंगे, आपसे कोई भी एंट्री फी हम नहीं ले रहे। उसके बाद एक और ऐसा रूम होगा अगले संडे जिसमें आपसे कोई भी एंट्री फी नहीं ली जाएगी भाई, टोटली फ्री, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो होगा ना गाइस जनवरी के टाइम, जब हमारे एग्जाम सब खत्म है, किसी का कोई बूम बम कुछ भी नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हम करेंगे अपना PMPS सीजन 2 गाइस लीग टूर्नामेंट होगा गाइस, लीग टूर्नामेंट PMPS सीजन में जिसने खेला होगा उसको पता होगा भाई PMPS की वैल्यू क्या है। तो गाइस PMPS सीजन 2 भी आएगा, और PMPS सीजन 2 में जो भी हमारी टीम्स होंगी जो परफॉर्म करेंगी उनको मिलेगा 3 फ्री स्लॉट, क्योंकि 3 स्लॉट हम रखेंगे रिजर्व उन टीम्स के लिए जो हमारे डेली कस्टम में परफॉर्म कर रही हैं, और जिनको मतलब जो भाई जो टीम मतलब टॉप मोस्ट है भाई हमारे लिए, जिनकी वैल्यू है भाई हमारे कस्टम में बहुत ज़्यादा, जो हमारे साथ सपोर्ट कर रही है हमें, भले ही हम नीचे हैं ऊपर हैं गिरे हैं जैसे मर्जी है भाई, हमें सपोर्ट मिल रहा है जिनकी तरफ से, और जो टीम रेगुलर है और बाकी सब बिहेवियर है उसके बेसिस पे PMPS सीजन 2 में आपको फ्री इन्वाइट मिलेगा, आपको कोई भी एंट्री फी पे नहीं करनी पड़ेगी, बाकी वो पे करनी पड़ेगी आपको, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस बेसिस पर हम करेंगे अपने विनर को डिसाइड, कौन होगा वो जो होगा #1 #2 #3 वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। तो इसके ऊपर है हमारा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते भाई, जो हमारी टीम आएगी जिसकी जो निकालेगी चिकन डिनर, उसको मिलेंगे 20 पॉइंट, प्लेसमेंट पॉइंट प्लस स्किल पॉइंट्स, दो चीज़ों के प्लस करने के बाद जो टेबल बनेगी उसके बेस पे आपको मिलने वाला प्राइस पूल। तो 20 पॉइंट मिलने वाले हैं आपको फर्स्ट टीम पे, सेकंड टीम को मिलेंगे 14, थर्ड को 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 11 के बाद जितनी होंगी उन सबको मिलेंगे 1, 1, 1, ठीक है। तो ये होने वाला है सीन। लेकिन अब आप बोलोगे यार टीम तो यार ये 16 टीम्स का है, लेकिन हमारे में तो खेलेंगे कितनी टीम्स, 23 या 25 तो मुश्किल खिलाएंगे हम, 23 खिलाते हैं, मान लो 23 खिलाते हैं, तो उन सभी को जो मान लो 11 के बाद जितनी होंगी ना उन सभी को 1, 1 पॉइंट देंगे, उन सभी को 1, 1 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। अगर 16 से ज़्यादा टीम्स खेलती हैं तो उस केस में बता रहा हूँ, उन सभी को 1, 1 पॉइंट ही मिलेगा, या अगर कुछ चेंज होता है तो हम आपको फर्दर हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ, और जो भी क्वेरीज होगी गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बता देना गाइज, क्योंकि देखो जब तक ये क्वेरी सॉल्व नहीं होंगी ना तो दिक्कत खत्म नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो और गाइज जो भी है, देखो एक और चीज़ मैंडेटरी होगी भाई, देखो रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे कि हाँ भाई हमें रजिस्ट्रेशन करना है इसके अंदर, तो हम आपको पर्सनली वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ रूल्स हैं रेगुलेशन है जिसके बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो देख लेना यार। और भाई प्रॉपर बंदे रखना 4, कोई भी यार ये इसके मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी अच्छी टीम इस चक्कर में एलिमिनेट हो कि वो अपने बंदे चेंज कर रही है, वो बंदे हैकर लेके आ रहे हैं भाई, ये मेरे को सुनने को मिला ना यार, तो यार कसम से मैं दिल से बुरा लगेगा भाई, देख लेना अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई AJ बॉस को बुरा लगे, तो यार देख लेना यार, देख लो, तो सही से करना यार, ऐसे मत करना स्कैम कोई भी, अपना 4 बंदे खेलो, जो भी 6 बंदों का रजिस्ट्रेशन करो 4 को खिलाओ, वो भी बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, देखते कौन सी टीम निकालेगी चिकन डिनर, हम आपको सैटरडे को कन्फर्म कर देंगे, संडे को टूर्नामेंट है ना,
तो हम मंडे टू फ्राइडे देखेंगे कि कौन कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है अच्छे से, सैटरडे को आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको स्लॉट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गाइस मंडे टू फ्राइडे परफॉर्म करो, बूम बम मचा दो, सैटरडे को हम आपको बता देंगे कि आपको स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड। ओके, तो इसी के साथ वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, 10 मिनट की हो चुकी है भाई, तो इसी के साथ खत्म कर दे। पूरी वीडियो देखना भाई, जो बंदा वीडियो को एंड तक नहीं देखेगा भाई देख लेना, कोई भी क्वेरीज मेरे पास नहीं आनी चाहिए, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। कुछ भी ऐसा बचा हो जो मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ तो गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ज़रूर बताना भाई, हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर देगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बताओ, छत पे खड़े होकर बता रहा हूँ भाई, ठंड लग रही है, तो हम चलते हैं फटाफट से। बाय बाय टाटा, मैं आपका कस्टमर एजे बॉस यहाँ पर आपसे अलविदा लेता हूँ, चलते हैं। तो बाय बाय टाटा, और जो भी है भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये बोलना ज़रूरी होता है, फॉर्मेलिटी लेकिन कर देना गाइस। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस, टाटा।